नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाथफाइंडर स्टडी पॉइंट में। तो इस सेशन में हम लोग यूपी जीके को कंटिन्यू करेंगे। ये थर्ड पार्ट है आज जो है यूपी जीके का। तो थोड़ा सा मैं कहीं बाहर भी गया था, तो आज ही लौटा हूँ, इसलिए जो है मैं ज़रा वीडियोस भी नहीं अपडेट कर पाया। तो कल से प्रयास रहेगा कि आपको जो है जिस तरह से मैं पहले से वीडियो प्रोवाइड करा रहा, तो उस तरह से आपको प्रोवाइड कराता रहूं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सिंचाई क्षेत्र के बारे में देखते हैं पहले। कुल सिंचित क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 144 लाख हेक्टेयर है उत्तर प्रदेश में। अब इनमें किस किस से सबसे ज़्यादा है उससे बात, तो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्रफल नलकूपों से होता है, जिसकी जो है प्रतिशतता 71.5% है। उसके बाद नहरों से 18.2%, कुआं से 9%, तालाब झील पोखर इनसे 0.8%, और अन्य साधन जो सिंचाई के हैं उनसे 0.4% जो है सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश में की जाती है। अब औद्योगिक परिदृश्य की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो राज्य का जो आय है उसका प्रचलित कीमतों पर जो प्रतिशत होता है आय का, तो प्राथमिक क्षेत्र यानी जो कृषि क्षेत्र कहलाता है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उससे 28.2% का जो है प्रतिशत है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर जो है 25.5%, तृतीय क्षेत्र से जो है जो सेवा क्षेत्र है उससे 46.3%। इससे जो है आप स्पष्टतया समझ सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय होती है उत्तर प्रदेश में। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा नंबर का उद्योग कौन सा है, हथकरघा कुटीर उद्योग। सर्वाधिक बाल श्रमिकों वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा उत्तर प्रदेश में कब दिया गया था, 1998 में दिया गया था। भारतीय पर्यटकों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है, पहला स्थान तमिलनाडु का है। और विदेशी पर्यटकों के पर्यटन के मामले में देश का प्रदेश में स्थान जो है, प्रदेश सभी प्रदेशों में स्थान तृतीय स्थान है, यानी देश में तीसरे नंबर पर आता है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला वाला पारंपरिक उद्योग कौन सा है, सीमेंट है। पारिवारिक उद्योग में लगे कर्मकार जो 2011 का डाटा है उसके अनुसार जो है 5.92% जो है ये पारिवारिक उद्योग में जो है कर्मकार लगे हैं। देश में कुल फैक्ट्रियों में 6.46% के स्थान के साथ जो है इसका उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। प्रदेश में सर्वाधिक पंजीकृत कारखानों की संख्या वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा पंजीकृत कारखाने गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में हैं, और उसके बाद जो है गाजियाबाद में हैं। बिजली के बारे में देखते हैं उत्तर प्रदेश में विद्युत की क्या क्षमता है किस तरह से। तो अधिष्ठापित कुल क्षमता जो है 6,159 मेगावाट है। उत्पादन कितना किया जाता है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, 2,804 करोड़ किलोवाट घंटा का उत्पादन किया जाता है। प्रति व्यक्ति उपभोग जो है 317 किलोवाट प्रति घंटा का उपयोग है, और पूर्णतया विद्युतीकृत ग्राम कितने हैं, 87,585। ये डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बदल सकता है क्योंकि जो है ये होता रहता है। आबाद ग्राम में विद्युतीकृत ग्राम का प्रतिशत कितना है, 88.89%। विद्युत उपभोग में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है पूरे सभी राज्यों में, तो पांचवा स्थान है विद्युत उपभोग के मामले में। देश में विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, पहला स्थान है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, रिहंद जो है जल विद्युत परियोजना जो है राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 के लिए पूरे देश में निर्धारित की गई थी, उसमें उत्तर प्रदेश का क्या डाटा है, तो विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था, 10% रखा गया था। कृषि विकास दर का 5% लक्ष्य रखा गया था। औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य 11.2% रखा गया था। सेवा क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य 11.9% रखा गया था, और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य 1 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। और इनका भी जो है जो फाइनल आउटपुट है वो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है 12वीं पंचवर्षीय योजना का। राज्य आय जो 15-16 का जो फाइनल डाटा, उसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर जो है 7,079.483 करोड़ रुपए है। प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर 36,300 करोड़ है। कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, व्यापार कर या बिक्री कर। राज्य में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय व राज्य में आय में अंतर लगातार बढ़ रहा है, और केंद्रीय शुल्कों से देश में सर्वाधिक प्राप्ति किसको होती है, उत्तर प्रदेश राज्य को होती है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे तो प्राथमिक विद्यालय 168
1000 लगभग हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 76,000 है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 20,000 है। महाविद्यालय 5,158 हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में 38 है। पॉलिटेक्निक जो राजकीय व निजी मिलाकर 118 हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 267 हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 13 है। कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 5 है और केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है 6 हैं। मेडिकल कॉलेज जो राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं इनकी संख्या 72 है। परिवहन और संचार के क्षेत्र में 2015-16 का ही ये फाइनल डाटा है। कुल पक्की सड़कें लगभग 238,000 किलोमीटर हैं। लोक निर्माण द्वारा निर्मित पक्की सड़कें 203,000 किलोमीटर है। कार्यरत टेलीफोन 3,190, डाकघर जो है 17,662 है। ये कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की बात हो रही है। ऊपर जो है दूरदर्शन केंद्र 3 है, आकाशवाणी केंद्र 13 है उत्तर प्रदेश में। विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? गोरखपुर है। ग्रेटर नोएडा, नोएडा गाजियाबाद में मेट्रो सेवा जो है ये संचालित हो रही है। लखनऊ में मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई थी सितंबर 2017 में। आगरा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी में मेट्रो सेवा प्रस्तावित है जिनका DPR वगैरह स्वीकृत हो चुका है। अब प्रमुख स्थल, पार्क, सिटी, इनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। तो नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थापित है? ग्रेटर नोएडा में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा नामक स्थान है उन्नाव में, वहाँ पर है। अप्रैल एवं होजरी पार्क ये कानपुर में है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद व कानपुर में है। निकिडा सिटी कानपुर व उन्नाव के बीच में स्थापित है। प्लास्टिक सिटी कानपुर व जौनपुर में। साइंस सिटी लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा और आगरा में है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में है। साइबर सिटी कानपुर। लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये आगरा में स्थापित है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। राज स्तरीय सोलर पार्क ये भी लखनऊ में स्थापित है। मेमोरी लैब जो देश की 5वीं लैब है ये लखनऊ में स्थापित है। हेरिटेज सिटी की बात करें तो आगरा व वाराणसी हेरिटेज सिटी के अंतर्गत आते हैं। खगोली पार्क लखनऊ में स्थापित है। ट्रैफिक पार्क कानपुर में भी है। इको नॉलेज पार्क खुसरो बाग इलाहाबाद में है। लायन सफारी पार्क इटावा में है। चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क ये लखनऊ में है। डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र इसकी स्थापना लखनऊ में की गई है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल ये नोएडा में स्थापित है। एग्रो पार्क जो है वाराणसी, बाराबंकी, लखनऊ व शाहजहाँपुर में है। अभी एक दो जगह और भी प्रस्तावित हैं, 3 नए पार्क जो है। महिला उद्यमी पार्क में उत्तर भारत का जो प्रथम महिला उद्यमी पार्क है वो है ग्रेटर नोएडा में। मेगा फूड पार्क जगदीशपुर अमेठी में है। इसके अलावा 3 का प्रस्ताव है जो मैंने अपने करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको बताया था। डिस्कवरी पार्क कहाँ पर है? अमेठी में। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ पर है? नोएडा में है, इलाहाबाद, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर व वाराणसी में ये है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क जो है HBTI कानपुर में स्थित है। काशीराम इको गार्डन लखनऊ में है। लोहिया पार्क लखनऊ में है। खेलगांव इलाहाबाद व आगरा में स्थापित है। ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में है। नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी इलाहाबाद में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन या जिनको हम जो है एग्रीकल्चर पार्क्स के नाम से जानते हैं ये लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ व सहारनपुर में स्थित हैं। एशिया का प्रथम DNA बैंक 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है लखनऊ में है। साइंस पार्क जो है संडीला हरदोई में स्थित है। IT उपवन ये साहिबाबाद गाजियाबाद में स्थित है। साइबर थाने कहाँ कहाँ पर हैं? लखनऊ और आगरा में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा में है और वाराणसी में भी प्रस्तावित है। सोलर ऊर्जा पार्क लखनऊ में है। नाइट सफारी पार्क यानी रात्रि वन्य जीव पार्क ये ग्रेटर नोएडा में है। फॉसिल्स पार्क या जीवाश्म पार्क जिसे हम कहते हैं ये सलखन नामक स्थान है सोनभद्र में। राज का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? नोएडा में। थीम पार्क जो पर्यटन संबंधी है ये आगरा में है। हज हाउस लखनऊ, गाजियाबाद व वाराणसी में है। अवध शिल्पग्राम लखनऊ में स्थापित है।
ताज सिल्क ग्राम जो है आगरा में है, मेडी सिटी चक गंजरिया लखनऊ में है, जिसको भी निर्माणाधीन है उस पर कार्य चल रहा है, काशीराम स्मृति उपवन आसियाना लखनऊ में है, ये काशीराम यादगार विश्राम स्थल यानी काशीराम मेमोरियल विश्राम स्थल ये लखनऊ में है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में है, बुद्ध विहार शांति व स्मृति उपवन ये भी लखनऊ में है, बॉटनिकल गार्डन जो नया प्रस्तावित है ये कहाँ पर है, नोएडा में है, उससे पहले एक लखनऊ में बॉटनिकल गार्डन है भी, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जो प्रस्तावित है वो है झांसी और औरैया में, रसद आपूर्ति नेटवर्क हेतु लॉजिकल पार्क जो है प्रस्तावित है हापुड़ में, मेगा लेदर क्रिस्टल पार्क निर्माणाधीन है संडीला हरदोई में व रमईपुर कानपुर देहात में, एप्रल पार्क जो नया प्रस्तावित है वो फरुखाबाद में है, कारपोरेट क्रिस्टल प्रस्तावित है भदोही में, ग्लाट्स वीड प्रस्तावित है वाराणसी में, पॉटरी क्लस्टर प्रस्तावित है खुर्जा बुलंदशहर में, कैंची क्लस्टर मेरठ में, लेदर क्लस्टर प्रस्तावित है चौरी चौरा गोरखपुर में, कालीन क्लस्टर मिर्जापुर में प्रस्तावित है, मेगा हथकरघा क्लस्टर वाराणसी में प्रस्तावित है, कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य इत्यादि से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है, क्योंकि ये कल्चरल फैक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुंदेलखंड के जितने भी सारे लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें क्या किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ख्याल नृत्य जो है ये किसी भी के भी पुत्र के जन्मोत्सव पे मनाया जाता है, धुरिया नृत्य कुम्हारों द्वारा मनाया जाता है, सैरा सौरा या सायरा नृत्य जो है ये फसल काटते समय मनाया जाता है, घोड़ा नृत्य मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा कराया जाता है, देवी नृत्य राई या मयूर नृत्य महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी के त्यौहार पर होता है, दीप नृत्य में थाली में अनेक दीप रखकर अहीर समाज द्वारा ये मनाया जाता है, पाई डंडा नृत्य ये भी अहीर समाज का नृत्य है, कार्तिक नृत्य गोपी कृष्ण बनकर जो है इसमें जो नृत्य किया जाता है, बरेंडी नृत्य लठमार होली की तरह ही रंग बिरंगी परिधान पहनकर होता है, ये अहीर समाज का नृत्य है, और कानरा नृत्य ये विवाहोत्सव का है और ये धोबी समाज द्वारा मनाया जाता है। तो ये बुंदेलखंड के प्रमुख नृत्य हैं जो प्रायः पूछे जाते हैं। अब ब्रज क्षेत्र के देख लेते हैं, रास नृत्य रासक दंड नृत्य झूला नृत्य जो श्रावण मास में मंदिरों में मनाया जाता है, मयूर नृत्य मोर पंख पहन कर मनाते हैं, चरकुला नृत्य 108 दीपों का पिंजरा या चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, घड़ा नृत्य रथ के पहिए के ऊपर घड़ा रखकर, और लठमार होली नृत्य ये सभी जो है ब्रज क्षेत्र के हैं। अब पूर्वांचल की बात करते हैं तो नटवरी नृत्य अहीर समाज ये सभी जितने भी नृत्य हैं ये कई कई बार पूछे जा चुके हैं, ये याद रखना जरूरी है, कटघोड़वा नृत्य कृत्रिम घोड़ा लेकर ही मनाया जाता है, धोबिया नृत्य ये धोबी समाज द्वारा, कहर उवारित कहार समाज द्वारा, पासी नृत्य नटुआ या नकटौरा नृत्य ये महिलाओं द्वारा पुरुष का वेश धारण करके मनाया जाता है। तो ये सब जो है पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हो गए। अवध क्षेत्र में जोगनी नृत्य जो रामनवमी पर होता है, और कलाबाजी नृत्य ये अवध क्षेत्र के प्रमुख हैं, ढेड़िया नृत्य द्वाबा क्षेत्र में होता है ये, फिर मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र की भी जो है नृत्य और कला संस्कृति बहुत ही फेमस है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो कर्मा व शीला नृत्य की बात करें तो ये खरवार जनजाति द्वारा मनाई जाती है, ढर कहरी नृत्य जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, थड़िया नृत्य सरस्वती के चरणों में इसका मनाया जाता है, चौलन नृत्य अच्छी वर्षा व फसल हेतु मनाया जाता है। तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र का जो क्षेत्र है उनके ये प्रसिद्ध नृत्य हैं। छोलिया नृत्य जो तलवार ढाल के साथ किया जाता है ये प्रदेश के राजपूतों द्वारा मनाया जाता है। अब प्रदेश के मुख्य लोक नाट्य जो हैं, तो वर्तमान में प्रदेश में प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से हैं, रामलीला रासलीला व नौटंकी। नौटंकी कैसा होता है, एक संगीत का कार्यक्रम होता है। लोक नाट्य की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं, रामनगर शैली जो काशी की रामलीला में होती है, इलाहाबाद शैली जो ये भी रामलीला में होती है, ब्रज शैली ये रासलीला के दौरान होती है, अयोध्या में रामलीला होती है, हाथरस की नौटंकी और कानपुर में नौटंकी, ये इसके जो है प्रसिद्ध जो है हो गए। अब प्रमुख मेले देखते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं और कहाँ पर लगते हैं। तो महाकुंभ का मेला ये विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ये इलाहाबाद में प्रत्येक 12वें वर्ष पे उत्तर प्रदेश में लगता है। कुंभ मेला इलाहाबाद में प्रत्येक 6 वर्ष पर। माघ मेला की बात करें ये इलाहाबाद में
प्रत्येक वर्ष होता है। काकोरा मेला ये रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहलाता है जो बनायू में लगता है। रामनगरिया मेला गंगा तट पर लगता है फरुखाबाद में। बटेश्वर मेला जो एक पशु मेला या इसको ऊंट मेला भी कहते हैं ये आगरा में लगता है, कई बार पूछा जा चुका है ये। ददरी मेला ये एक पशु मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है बलिया में जो है मनाया जाता है। सरधना मेला ये नवंबर में जो है मास में मनाया जाता है। सरधना नामक स्थान है मेरठ में, वहाँ पर मनाया जाता है, उसी के नाम पर इसका नाम सरधना रखा गया है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, कल इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।